हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के फोर्थ काइंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के फोर्थ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फोर में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 70 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 69 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 by 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है। फ्यूचर मीन्स होता है नेक्स्ट टाइम, मीन्स आने वाला समय। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, मीन्स पूर्ण या पूरा। कंटिन्यूअस मीन्स रेगुलर यानी लगातार। टेंस में से टाइम, जब कोई एक्शन कंटिन्यूअस चलेगा, कुछ देर तक काम चलेगा, ओके एक्शन होगा, और फ्यूचर टाइम में आने वाले समय में, और वह परफेक्ट होगा, कंप्लीट होगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो रहा है। यानी कोई भी एक्शन आने वाले समय में कंप्लीट होने की बात, यानी कुछ देर एक्शन होने के बाद कंप्लीट होने की बात होगी, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। तो आप हिंदी सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है? तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, या समय प्लस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या समय प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। तो मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं। जब सारे सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो सारे सेंटेंसेस के अंत में कहीं ना कहीं आपको ये पहचान आपको मिल जाएगा। देखिए, क्या तुम हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हुए रहोगे? देखिए, बनाते हुए यानी ये हिंदी सेंटेंस है, और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ते हुए रहोगे यानी ते हुए रहेंगे, तो ये समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट, क्या वो इस गांव में 3 वर्षों से नहीं रह रहा होगा? तो यहाँ रह रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे समय प्लस रहा होगा क्या है, तो यहाँ पर देखिए, क्या वो इस गांव में 3 वर्षों से नहीं रह रहा होगा? तो यहाँ रहा होगा है और यहाँ टाइम है 3 वर्षों से। अगर वो खेल रहा होगा अगर कहें तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग बनेगा, सॉरी ही विल बी प्लेइंग होगा। लेकिन अगर कहें कि वो सुबह से खेल रहा होगा तो वहाँ टाइम प्लस रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग होगा इसमें, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक्शन कुछ देर तक चलने के बाद जो है चल रहा है, कुछ चलने के बाद की बात हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसमें आपका ये वाला स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस सेल हैव का यूज किया जाएगा। अगर आप सीधा रह गए, आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग माय वीडियोस हो जाएगा। लेकिन अगर कहें कि आप 5 बजे से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो 5 बजे से यानी 5 बजे से टाइम प्लस रहे होंगे, तो यू विल हैव बीन वॉचिंग माय वीडियोस सिंस 5 o'clock, इस तरह से आप इंग्लिश बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे? ओके, तो आप पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव कहा जाता है कोई ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है, उसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और निगेटिव में से होता नहीं, नकारात्मक, तो आपको नहीं सब में दिख रहा है, देखिए यही निगेटिव है। प्लस यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट काम करने वाला यानी बेवकूफ बनाने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है, और तुम से आगे क्या आ रहा है, तो सारे में क्या है, क्या आ रहा है, तो यही आपका इंट्रोगेटिव हो गया, और ये सारे में नेगेटिव आ रहा है, यही आपका नेगेटिव हो गया। तो आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पहचान चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है ये भी पहचान चुके हैं, और इसके पहचानने का जो है नियम क्या है, कैसे हिंदी सेंटेंसेस को पहचाना जा सकता है, इसको भी आप समझ चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। थोड़ा ये फॉर्मूला है, एक तरह का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ इसमें आपको बैठा देना है, आप इजी में बना लेंगे। देखिए हम लोग पॉइंट वाइज पहले समझते हैं, अगर आप अच्छा से समझ जाएंगे, मैं आपको 4, 5, 6 अगर बताऊंगा सेंटेंसेस को, अगर आप अच्छा से समझ जाएंगे तो यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, मैनी सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पर। तो देखिए, क्या तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाते हुए नहीं रहोगे? तो यहां पे है सेल या विल में आपको एक लगाना होगा, तो आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ ही आप सेल का यूज करेंगे।
और बाकी जितने रेस्ट जो है सब्जेक्ट हो जाएंगे उसके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी आप जो है सेल का यूज विल का भी यूज किया जा रहा है सॉरी। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जो है टेंस हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का है, इसलिए इसमें सेल का जो है यूज करेंगे हम लोग आई और वी के साथ। तो हम लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। विल लगाएंगे विल, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट अगर लगाना है विल यू, उसके बाद हैव लगा देना है, हमारा स्ट्रक्चर जो कह रहा है उसको लगाना है, फिर नोट लगा देना है, फिर बिन लगा देना है, बिन के बाद आपको बिफोर में यूज़ करना है। तो बिफोर आप जानते हैं कि फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, पांच वर्ब का पांच रूप होता है। तो यहाँ पर बनाना जो है वर्ब है, बनाना को इंग्लिश में मेक कहा जाता है, मेक में आई एन जी लगा देंगे। ओके, बिफोर का यूज़ जो होता है बिफोर लगाया जाता है जो है वी वन में आप ऐड कर देंगे। अगर बिफोर आप बनाना चाहते हैं तो वी वन में आई एन जी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे आई एन जी। तो बिफोर यहाँ पे मेक एम ए के ई होता है तो ई हट जाता है, एन जी लगता है, तो मेकिंग हो जाएगा। विल यू हैव नॉट बिन मेकिंग, और किसको हम लोगों को ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट किसको कहता है जिस पर असर पड़ता है, तो बेवकूफ बनाया किसको जा रहा है हम लोगों को। तो विल यू हैव नॉट बिन मेकिंग अस फूल, ओके, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। नेक्स्ट देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें आपको फिर आपको क्या वो इस गांव में तीन वर्षों से नहीं रह रहा होगा, तो आप फिर यहां पे विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वह की बात हो रही है, वह सब्जेक्ट है, वह के बाद सब्जेक्ट लगा देना है विल ही, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, फिर बिन लगा देना है, फिर बिफोर खोजेंगे। वर्ब किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट जो काम करता है, तो यानी वह क्या काम कर रहा है, तो तीन वर्षों से क्या वह इस गांव में तीन वर्षों से रह नहीं रहा है, तो यहाँ पे रहना जो है वर्ब है, तो रहना को इंग्लिश में लीव कहा जाता है, एल आई वी, तो आई एन जी फिर हो जाएगा लिविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिविंग, एल आई वी आई एन जी। तो विल ही नॉट बिन लिविंग, ओके, और इस गाँव में, इन दिस विलेज, क्या लगाएंगे इन दिस विलेज, इस गांव में नहीं रह रहे होंगे इस और कितने दिनों से, तीन वर्षों से, तो यहाँ पे तीन वर्षों से है। तो यहाँ पे आप जो है ऑब्जेक्ट लगा दिए इन दिस विलेज, और सिंस और फोर में एक यूज़ करना है, तो सिंस और फोर का यूज़ कहाँ करेंगे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका जो है टाइम, अगर जो है टाइम जो दिया हुआ है वो अगर सिंस आप एक नंबर में लिखेंगे सिंस, अगर आपका टाइम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है यानी जो भी काम हो रहा है उस टाइम का कब से शुरू हो रहा है वो अगर अगर पता चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम उसी को कहा जाता है, तो आप उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका नेम ऑफ टाइम आपको पता चल रहा है कि उसमें नेम ऑफ टाइम है यानी समय का नाम दिया हुआ है, या अगर डिफिनिट टाइम होगा, डिफिनिट टाइम यानी निश्चित समय होगा, तो आप वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे फोर का यूज कहां करेंगे, फोर का आप यूज करेंगे जहां पे जो है आपको नेम ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, यानी इनडिफिनिट टाइम रहेगा, इनडिफिनिट टाइम रहेगा यानी कच्चा समय रहेगा, इसमें पक्का समय रहता है, निश्चित समय रहता है, इसमें अनिश्चित समय रहेगा यानी इनडिफिनिट टाइम रहेगा, या आप पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का जो है पीरियड रहेगा, अंतराल रहेगा कितना दिनों से। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, देखिए क्या वह इस गांव में तीन वर्षों से, तो कौन सा तीन वर्ष से है, यहाँ ड्यूरेशन दिख रहा है तीन वर्ष लेकिन टाइम नहीं हुआ है, अगर दिया हुआ है, लेकिन अगर रहता कि क्या वह जनवरी से 2021 से 2022 से इस तरह का रहता, अगर डिफिनिट टाइम रहता तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है चूँकि हमारा तीन वर्षों से है तो फोर थ्री ईयर्स फोर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर इनडिफिनिट टाइम लग रहा है, कच्चा समय लग रहा है, पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, ओके, तो यहां पे आप सिंस थ्री इयर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे थ्री इयर्स, ओके, आप उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, मेरे पिछले वीडियोस को भी देखेंगे तो उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फोर का यूज कहां किया जा रहा है, किया जाएगा, किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप लोग मेरे वीडियोस को 2021 से नहीं देख रहे होंगे, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे, तो यहां पे आप फिर विल का यूज करेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट जो है क्या आप लोग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, जो काम करने वाला होता है ना उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो वीडियो देखने का काम कौन कर रहा है, देखने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सब्जेक्ट हो गए। तो विल यू सब्जेक्ट हैव लगाना है, विल यू हैव, उसके बाद फिर नॉट लगा देना है,
नॉट, फिर बिन लगा देना है, बिन बहुत इजी है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वी फोर लगाना, स्ट्रक्चर पे के अनुसार आप क्या क्या लगाएंगे, वी फोर, वर्ब का फोर। तो वर्ब किसको कहा जाता है, काम करने वाला जो काम करता है वर्ब कहा जाता है। हम लोग डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आपको समझने से मतलब है। ओके, तो काम करने वाला क्या काम कर रहा है, आप लोग जो है सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, ये क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है। तो विल यू हैव नॉट बिन, और देखना को इंग्लिश में वॉच कहा जाता है, आप जानते हैं वॉच कहा जाता है। ओके, वॉचिंग लगाएंगे, गौर से देखने को वॉच ही कहा जाता है, वॉचिंग। और क्या क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इफेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है आपको आपको ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो है जिस पर असर पड़ता है। तो किस पर असर पड़ रहा है, आप किसको देख रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो यही ऑब्जेक्ट है। तो माई वीडियोज़ हो जाएगा, माई वीडियोज़, ओके, माई वीडियोज़। अब यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है 2021 से, तो डिफिनिट टाइम जो है पक्का समय या नेम ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो सिंस 2021, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ओके, मैं इसको फिर से रब कर देता हूँ। ओके, आप जब भी मेरा क्लास ले रहे होते हैं तो आप जो है नोटबुक अपने साथ रखेंगे और समझिए ऐसा जो हज़ारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसा चाहें आप बोलना वैसा आप इजी वे में बोल सकते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट वन, क्या हमारे देश के नेता हमारे देश को 70 वर्षों से नहीं लूट रहे होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको फिर विल का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई और वी नहीं दिख रहा है, तो विल और विल हो गया। उसके बाद जो है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला को, तो लूटने का काम कौन कर रहा है, हमारे देश के नेता, यहाँ से जो है आपका सब्जेक्ट होगा, हमारे देश के नेता, नेता नहीं हमारे देश के नेता, नेता तो कहीं का भी हो सकता है, ओके, आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। तो हमारे देश का नेता, विल द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, क्या हो जाएगा, विल द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, क्या हमारे देश के नेता, यहाँ से हो गया क्या हमारे देश के नेता, विल द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद जो है आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, ओके, हैव लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद फिर बिन लगाएंगे, बिन लगा दिए, उसके बाद बिफोर, बिफोर क्या कर रहे हैं हमारे नेता, जो भर्व किसको कहता है, काम करने वाला जो काम करता है, नेता क्या काम कर रहे हैं, तो लूटने का काम कर रहे हैं। ओके, तो लूटना को जो है क्या काम नहीं कर रहे हैं, यानी लूटने का काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है, उसी को कहा जाता है। देखिए, क्या तुम हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना बनाते हुए रहोगे, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले जो है एक वर्ड आ रहा है क्या, और ये प्रश्न पूछ रहा है, ओके, कि करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे बिन हो जाएगा, बिन हो गया, उसके बाद जो है लूटना वर्ब है, लूटना का इंग्लिश में लूटी होता है, आई एन जी लगा देंगे लूटिंग, क्योंकि भी वन है और आई एन जी एड कर देंगे, तो भी फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एन जी एड करने के बाद भी फोर हो जाता है। तो बिन लूटिंग, और किसको, हमारे देश जो है कितने साल से, क्या हमारे देश के नेता हमारे देश को, तो हमारे देश को किसको लूट रहे हैं, तो लूटिंग आवर कंट्री हो जाएगा, हमारे देश को, यही ऑब्जेक्ट है। और कब से, 70 वर्षों से, तो 70 वर्षों से कौन सा 70 वर्ष से, कितना अगर रहता 1947 से, यहाँ देखिए 1947 से लिखा हुआ है, तो ये डिफिनिट टाइम है। तो आप डिफिनिट टाइम में आप जो है सिंस का लगाएंगे, तो यहाँ पर 70 वर्षों से, तो यहाँ फिर फोर हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अंतराल दिखा रहा है कि 70 वर्ष से, तो फॉर 70 ईयर्स, फॉर 70 ईयर्स, इजी है। अब देखिए फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसको मैं फिर से रब कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट वन, क्या भारतीय किसान एमएसपी बिल के खिलाफ मार्च से, यहाँ पे मार्च है देखिएगा, मार्च से आंदोलन नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप यहाँ पे इसमें विल का यूज करेंगे, विल, उसके बाद है भारतीय, विल द इंडियन फार्मर्स, विल द इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, क्या हो गया, यही आपका जो है इंडियन फार्मर्स से ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, तो आंदोलन का काम कर कौन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ जो है भारतीय किसान, तो विल, विल द इंडियन फार्मर्स, उसके बाद आपको लगाना है हैव, हैव लगा देंगे, हैव, उसके बाद नॉट, नॉट, बिन, बिन लगा दिए, उसके बाद बिफोर लगाना है, तो बिफोर जो है भर्व जो क्या है, भारतीय किसान क्या काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करना को इंग्लिश में एजिटेटिंग कहा जाता है, एजिटेट कहा जाता है, तो एजिटेटिंग लिखेंगे, ओके, ए जी आई टी ए टी आई एन जी, विल द इंडियन फार्मर्स हैव नॉट बीन एजिटेटिंग, ओके, और किसके खिलाफ,
किस बिल के खिलाफ जो है, ये आपका ऑब्जेक्ट है एमएसपी बिल के खिलाफ, अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट अगेंस्ट एमएसपी, एमएसपी एमएसपी मींस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कब से कर रहे हैं, यहाँ पे मार्च से है, तो नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम है, यानी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी आंदोलन करने का टाइम कब से है, कब से आंदोलन कर हो रही है, तो यहाँ पे मार्च से, तो सिंस मार्च क्या हो जाएगा, सिंस मार्च, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि बड़े से बड़े सेंटेंसेस को और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप समझ चुके हैं, इफ़ यू हैव लर्न्ड, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, अगर आप समझ चुके हैं, तो मैं आपको 6, 7, 8 जो है होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। देखिए, क्या झारखंड में 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही होगी, क्या बिहार में 3 बजे से बादल नहीं गरज रहे होंगे, क्या भारत सरकार 1947 से गरीबों की मदद नहीं कर रही होगी। तो अगर आप समझ चुके हैं तो आप इन तीनों को बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं समझूंगा कि आप जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप इजी वे में समझ रहे हैं। और इसमें बहुत सारा, यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर, रोज ये इंग्लिश स्पोकन क्या है, इट इज जस्ट एक प्रैक्टिस है, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। ओके, आप जितना ही ज्यादा बोलेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, तो आप इजी वे में प्रैक्टिस कीजिए। रोज इस स्ट्रक्चर में कम से कम 40 से 50 जो है सेंटेंसेस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, ओके, कमेंट कीजिए, बात जो है अपने अपने जो है अपने दोस्त से शेयर कीजिए, यानी मैसेज कीजिए, तो इसे बोलिए, अपने 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 आईने के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, आप इजी वे में बोल सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।